हे गाइस वेलकम बैक टू शालिनी अकेडमिक्स मेरा नाम है शालिनी वर्मा और आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ क्लास इलेवन सैम्पल पेपर ऑफ़ पॉलिटिकल साइंस सो स्टूडेंट बहुत सारे बच्चों की मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी वो बोल रहे थे कि दी प्लीज़ आप हमारे साथ आंसर डिस्कस कर लीजिए तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक आंसर की वीडियो बना ही देती हूँ सो फाइनली ये रही वो वीडियो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस चैनल से जुड़ी हुई लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंचती रहे सो पहला क्वेश्चन है कि गांधी जी स्वराज से क्या समझते हैं स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगी यहाँ पर मैंने आपको इंग्लिश में क्वेश्चन दिखा रखे हैं नीचे आपको पीडीएफ मिल जाएगी जिसमें मैंने हिंदी में भी आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराए हुए हैं so, सो स्वराज का बेसिकली मतलब होता है सेल्फ रूल यानी कि स्वयं पे रूल ही स्वराज कहलाता है गांधी जी ने हिंद स्वराज पे एक बुक भी लिखी हुई है स्वराज का बेसिकली मतलब होता है ऐसी गवर्नमेंट जो हैरार्केल नहीं चली आ रही है वो इंडिपेंडेंटली अपनी पावर्स को यूज़ कर करते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं नेशन के प्रति इसी को स्वराज कहा जाता है तो गाइज यहाँ पर मैंने आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा दिया है आप आप ले लीजिएगा सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डू यू मीन बाय हार्म हार्म प्रिंसिपल प्रिंसिपल से क्या समझते हैं इसको हम हानि सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं सो so बेसिकली इसको प्रपोज करा था जॉन स्टूर्ट मिल ने हार्म प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि लोग जो हैं वो कोई भी एक्शंस कर सकते हैं जब तक वो दूसरों को नुकसान नुकसान ना पहुँचाएं यानी कि वो चीज़ें तब तक सही हैं जब तक वो किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं और ये अहम प्रिंसिपल का सिद्धांत है इसके अंतर्गत लिबरलिज्म भी आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन वट आर द स्पेशल पावर ऑफ लोकसभा सो यहाँ पर आपने लोकसभा की पावर्स के बारे में बताना है सबसे पहली पावर ये है कि जो मनी बिल है वो सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है उसमें चेंजेस लाना उसको रिजेक्ट करना वो सारा अधिकार सिर्फ और सिर्फ लोकसभा को है सेकेंड इंपॉर्टेंट पावर ये है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो ओनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं टूवर्ड्स लोकसभा एक और पॉइंट आप लिख सकते हैं लोकसभा के पास इमरजेंसी लगाने की शक्ति भी होती है नेक्स्ट क्वेश्चन वट यू मीन बाई पी आई एल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से आप क्या समझते हैं जनहित याचिका क्या होती है आपने इसमें ये बताना है सो so, जनहित याचिका बेसिकली ये होता है जिसमें लोगों के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करा जाता है और उनकी लिविंग कंडीशन को बेहतर बनाया जाता है बेसिकली जो गरीब अपना हक नहीं लड़ पा रहा है अपने लिए नहीं लड़ पा रहा है तो उसके बिहाफ पे कोई थर्ड पार्टी उसका केस लड़ सकती है उसको हक़ दिला सकती है इसी के साथ साथ अगर जुडिशरी को लगता है कि कोई केस जो है उसको रिव्यू करना चाहिए उसको इंसाफ मिलना चाहिए तो जुडिशरी सेल्फ भी उनकी कंप्लेंट्स को देखती है नेक्स्ट क्वेश्चन वट डू यू मीन बाई इक्वालिटी अकॉर्डिंग टू इमैनुअल कैंट सो आप इक्वालिटी से क्या समझते हैं इमानुअल कैंट के अकॉर्डिंग सो so, इसमें आप बता सकते हैं कि हर एक इंसान की एक डिग्निटी होती है एक रिस्पेक्ट होती है सो so, अगर हर एक इंसान को रिस्पेक्ट मिलती है तो वो काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस शो करता है और काफ़ी ज़्यादा डेवलप करता है और अपने टैलेंट को भी दिखाता है उसी के साथ साथ बहुत आसान हो जाता है अपने गोल्स को अचीव करना ये बहुत ज़रूरी है कि इक्वालिटी मिले लोगों को ताकि वो अपनी रिस्पेक्ट ना खो सकें उसी के साथ साथ अपने टैलेंट को शोकेश कर सकें अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को पहचान सकें और इस संसार में कुछ योगदान देके जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि लोकसभा की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है तो so अगर आप लोकसभा का मेंबर बनना चाहते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको एक नागरिक होना पड़ेगा भारत का उसी के साथ साथ आपकी जो उम्र है वो 25 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए नेक्स्ट पॉइंट ये है कि वो इंसान बैंक क्रप्ट नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका दिवालिया घोषित कर रखा हो फिफ्थ पॉइंट में आप लिख सकते हैं है कि उसको किसी भी प्रकार की सजा नहीं मिली होनी चाहिए जजेस के द्वारा तो स्टूडेंट इनमें से आप मोस्टली पॉइंट्स लिख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट में बस आप एज फैक्टर को ध्यान में रखिएगा वो बहुत जरूरी हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपने सोशलिज्म के बारे में बताना है तो सोशलिज्म जो होता है उसमें सरकार सबको लेके चलती है सरकार का मेन रोल होता है वो सबके बेनिफिट के लिए काम करती है वहीं पे जो कैपिटलिज़्म होता है वहाँ पर बोला जाता है कि आपने अपना खाना है और अपना कमाना है सो यहाँ पर सोशलिज्म में लोगों को काफ़ी इक्वालिटी देने की कोशिश की जाती है लोगों को इक्विटेबल बनाया जाता है लोगों के पास सारे रिसोर्सिस पहुँचे इसकी एश्योरेंस दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा जो प्लानिंग की जाती है मेनली फोकस करा जाता है एजुकेशन पे और हेल्थ केयर पे सो so, इसमें आप ये भी बता सकते हैं कि जो सरकार है वो कोशिश करती है सबको इक्वल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूट करने की ताकि उनका भी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ सके और वो भी अपने आप को बेहतर बना सके नेक्स्ट क्वेश्चन आर्टिकल सेवेंटी फोर वन सो so, इसमें ये पूछा जा रहा है कि आर्टिकल सेवेंटी फोर वन में क्या बात लिखी हुई है सो so, यहाँ पर ये बताया हुआ है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं उनका एक हेड होता है जिसको हम प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर अपने कैबिनेट मेंबर को खुद सेलेक्ट कर और ये जो एक पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की टीम है वो एडवाइस करते हैं प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट उनकी सलाह को सुनता है प्रेसिडेंट के पास पावर होती है वो किसी भी बात को एक बार दोबारा चर्चा के लिए प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास भेज सकता है अगर सेकेंड बार दोबारा से वही टॉपिक भेजा जाता है तो प्रेसिडेंट को वो चीज माननी पड़ती है सो इन सिंपल टर्म्स प्रेजिडेंट को एडवाइस दी जा रही है प्राइम मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा और प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो दोबारा से ओवरव्यू के लिए प्राइम मिनिस्टर को वो बात भेज सकता है अगर प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दोबारा उस नतीजे पे आते हैं तो सेकेंड टाइम प्रेजिडेंट को वो बात माननी ही पड़ेगी सो स्टूडेंट इसमें क्वेश्चन नंबर एट था जिसमें ये बोला हुआ था कि अगर एक टीचर बच्चे को ग्रेस मार्क दे रही है जो कि अपनी क्लास के अकॉर्डिंग थोड़ा पीछे चल रहा है तो ये चीज़ सही है या नहीं है अगर है तो आपने फेवर में आंसर देना है सो so स्टूडेंट इसका जो आंसर दे रही हूँ वो मैं अपने मन के अकॉर्डिंग दे रही हूँ मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को ग्रेस मार्क्स देना ज़रूरी है कि पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती हैं बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उनके मोरल को बूस्ट करा जाए उनको मोटिवेट करा जाए ताकि उनके अंदर ये भावना है कि मैं भी कर सकता हूँ इसीलिए टीचर जो है उनको प्रेरित करने के लिए नंबर देती है जो कि काफ़ी सही बात है ताकि वो बच्चे जो हैं काफ़ी मोटिवेटेड फील करें और उन्हें ऐसा लगे कि वो भी इस सोसाइटी का पार्ट है कभी कभार एजुकेशन में अच्छा परफॉर्म ना करने से उनके फ्रेंड्स नहीं बन पाते हैं देखो सबकी घर की परिस्थिति अलग अलग होती है सब एक जैसे नहीं होते हैं कई लोग अपने आप पे बहुत मेहनत करते हैं कईयों के पास बहुत सारे डिवाइजेज़ होते हैं जिससे उनकी प्रोग्रेस और उनकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी हो जाती है लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं और उन्हें सेल्फ करना होता है घर की और भी परेशानी देखनी पड़ती हैं तो उनको मोटिवेट करने के लिए उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है

एक्सपीरियंस ऑफ द एडवोकेसी फॉर अ पर्सन टू बी अपॉइंटेड बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए जो भी जज की पोजीशन पे बैठ रहा है उसने काफ़ी अपनी प्रैक्टिस करी होगी लाइफ में तो जाके उसको जज की एक पदवी मिलती है जो टाइम पीरियड होता है जज का वो फ़िक्स होता है नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो सैलरी होती है जजेस की वो काफ़ी कॉन्फिडेंशियल तरीके से भेजी जाती है देयर इज़ अ बैन ऑन प्रैक्टिसिंग जज आफ्टर एयर रिटायर्ड यानी कि अगर कोई जज रिटायर हो चुका है तो वो दोबारा से लॉ की प्रैक्टिस नहीं कर सकता है रिटायरमेंट के बाद उनकी पेंशन बन जाती है लेकिन वो दोबारा लॉ की प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी सो यहाँ पर आपने लिखना है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए चाहे वो किसी भी क्लास किसी भी कास्ट किसी भी क्रीड या किसी भी जेंडर का हो अगर इस तरीके से हम इक्वालिटी देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाता है इक्वालिटी का बेसिकली मतलब होता है इक्वल ट्रीटमेंट हमने कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा जब हम वोट डालने जाते हैं तो जो सर्वेंट होते हैं वो भी सेम लाइन में लगे होते हैं और उसी लाइन में उनके मालिक भी लगे होते हैं सो so, इसका मतलब होता है इक्वालिटी कि किसी के साथ पक्षपात नहीं करा जा रहा है सब सेम है सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिल रहा है और ऐसा करने से जो फंडामेंटल राइट right है उनको हम सेफ कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल राइट टू लाइफ राइट टू लिबर्टी तो ये अधिकार वो है जो हमें संविधान से मिले हैं तो ये वो राइट्स है जो हमें संविधान ने दिए हैं और क्लियरली बोल रखा है कि सब संविधान के सामने इक्वल है कोई अमीर और गरीब नहीं है किसी का जेंडर मैटर नहीं करता है किसी की कास्ट किसी की क्लास कुछ भी मैटर नहीं करता है जब संविधान के सामने आप आते हैं तो सबके पास इक्वल राइट्स हैं उसका आपने काफी अच्छे से पालन करना है जो बाकी क्वेश्चन आप देख सकते हैं उसमें आपको एक मैप वर्क दिया था जिसमें मैंने बता दिया है कि जो ए सेक्शन है उसका आंसर है उत्तर प्रदेश बी का है कर्नाटका सी का है महाराष्ट्र एंड डी का है तेलंगाना सर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी उसको जरूर पढ़ के जाइएगा मैंने यहाँ पर आपको सोल्यूशन दे दिया है आप इसका स्क्रीन ले लीजिए क्वेश्चन नंबर थर्टीन का भी मैंने प्रोवाइड करा दिया है आप इसका भी स्क्रीन ले लीजिए लास्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है मैंने आपको इसका आंसर प्रोवाइड करा दिया है आप इसका स्क्रीन ले लीजिए ये इतने आसान क्वेश्चन है जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आपने कैसे लिखने हैं तो स्टूडेंट इसी के साथ ये इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाती है डन आई होप आपको ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल लगी होगी अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा नीचे दिए गए आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस चैनल से जुड़ी हुई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुँचती रहे